नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें। आपको बता दें कि निर्माणाधीन मकान के बाहर एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला का शव पड़े होने की जानकारी पर मौके पर एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी पहुंच गए। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं। महिला के हाथ पर आशा देवी और पति का नाम संजय बाबू लिखा हुआ है, लेकिन पूरी तरह शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पूरा मामला थाना टूंडला क्षेत्र के NH2 पर स्थित तिलक नगर कॉलोनी का है। ये पता नहीं है, इसमें मरी हुई पड़ी गई। पूरी बात बताइए आप। इधर लेटरिन करने के लिए आए थे हम, लेटरिन करके चले गए। फिर दूध वाले आए हमारे पास, दूध भी लेके बांटा हमने, दूध लेके वे चले गए। फिर तुम बात बताओ, हमारा लड़का छट्टी करने के लिए आया, फिर उसने उधर के देखा तो उसे तुम बात बताओ कैसे लोगों पापा ऐसे लेडीज पड़ी हुई है, उन्होंने खबर की है। कुछ जानकारी है कहाँ की है? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं है आपकी? कोई कोई जानकारी नहीं है, कोई न समझ में आई हमारी कौन है कौन नहीं है। अच्छा, इसमें ये टुंडला थाने का तिलक नगर मोहल्ला है, इसमें एक निर्माणाधीन मकान है और जो बंद है, लेकिन उसके बाहर दहलीज पे एक करीब 40 वर्षीय महिला जिसका नाम आशा देवी है, उसके हाथ पे जो गुदा हुआ है, आशा देवी पत्नी संजय बाबू, एक शव मिला है। 40 वर्षीय महिला है करीब, जिसके गले पे धारदार हथियार से उसको जख्मी करके उसकी हत्या की गई है। मौके से जो है एक ब्लेड भी मिला है, तो उम्मीद ये है कि इसी तरीके से इसका ब्लेड से ही इसका घटना को अंजाम दिया गया है। शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग उम्मीद है घटना का निरूपण करेंगे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तू सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें।